सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। भारतीय सेना पर हमले के बाद सेना और रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान की ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेना ने अपने बयान में कहा था 1 मई 2017 को कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास दो फॉरवर्ड पोस्ट्स पर पाकिस्तानी सेना की ओर से रॉकेट और मोर्टार से फायरिंग की गई। साथ ही दो पोस्ट्स के बीच पेट्रोल ऑपरेटिंग पर बैट एक्शन भी किया गया। सेना के इस बयान के बाद रक्षा मंत्री ने भी उन्हें समर्थन दिया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दो टूक कहा कि सेना के जवानों की ये शहादत बेकार नहीं जाने दी जाएगी, हमारी सेना इस एक्शन का माकूल जवाब देने में सक्षम है। सेना और रक्षा मंत्री के इन बयानों के बाद सोमवार शाम ही भारतीय सेना के जवानों ने अपना एक्शन दिखा दिया। बताया जा रहा है कि LOC के पार पाकिस्तान की कई चौकियों को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। साथ ही इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों को भी ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक किरपान और पिंपल पोस्ट में दो पाकिस्तानी बंकरों को ध्वस्त किया गया। ये दोनों पोस्ट जम्मू के मेंढर सेक्टर में मौजूद कृष्णा घाटी के सामने है। बताया जा रहा है कि पाक की बॉर्डर एक्शन टीम की 647 मुजाहिद बटालियन ने LOC पर हुए हमले को अंजाम दिया था। बटालियन के सदस्यों को घुसपैठ के लिए पाक आर्मी की ओर से किरपान और पिंपल पोस्ट से कवा फायरिंग की गई थी। सेना को फ्री हैंड। भारतीय सेना प्रमुख कर्नल बिपिन रावत हालात का जायजा लेने के लिए श्रीनगर में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि सेना को पाकिस्तान की हरकत का जवाब देने के लिए सरकार ने फ्री हैंड दिया है। एक और सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद देश में एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठने लगी है। पूर्व आर्मी कर्मियों से लेकर तमाम संगठनों के लोग मोदी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की मांग कर रहे हैं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।